महाराष्ट्र के वर्धा जिले का एक छोटा सा गांव है हिंगणघाट। वास्तव में तहसील भी है। गांव भले ही छोटा है लेकिन ढेर सारी खूबियां अपने आप में समेटे हुए। कुष्ठ रोगियों की सेवा में एक बड़ा नाम आता है, बाबा आमटे हिंगणघाट में ही जन्मे। कव्वाली की दुनिया के बेताज बादशाह जॉनी बाबू कव्वाल, वे भी हिंगणघाट के ही। और पूरी दुनिया में फेमस रबर मैन नारायण भोंसले हिंगणघाट से ही। लेकिन आजकल हिंगणघाट कला के एक विशेष अंग से दुनिया पर छाया हुआ है और वो है हस्तकला, वो भी जरी से। जरी एक ऐसा धागा जो अपनी चमक से देखने वालों को अपनी ओर खींच लेता है। और जब इस धागे से कढ़ाई की जाती है और कपड़े इससे सजाए जाते हैं तो इसका मजा कुछ और ही हो जाता है। और इसके साथ जब मोती जुड़ जाते हैं तो बस ये इतना आकर्षक बन जाता है कि देखने वाले दांतों तले उंगलियां चबाने लगते हैं, मजबूर हो जाते हैं। हिंगणघाट में ऐसा ही एक कला का केंद्र है जो सिर्फ जरी से कशीदाकारी करता है और उस कलाकार का नाम है सैयद अनीस भाई जरी वाले। अनीस भाई की एक विशेषता है, उन्होंने कशीदाकारी में चित्रकला को जोड़ दिया। वैसे कला की अन्य विधाओं में भी अनीस भाई की खासी रुचि है लेकिन हस्तकला में कढ़ाई को जब उन्होंने चुना तो शुरुआती दौर बड़ा संघर्ष का रहा। अनीस भाई मानते हैं कि उनके इस कला प्रेम में उनका जीवन बड़ा संघर्षपूर्ण रहा लेकिन इस कला के प्रति समर्पण ने उन्हें आज सिर्फ देश में ही नहीं विदेश में भी परिचित करवा दिया। ये जो आप देख रहे हैं ये छोटे शहर में तो और छोटे आदमी तो ये चीज़ खरीदेंगे नहीं, बड़े शहरों के अंदर में जो लोग कला के अंदर में रुचि रखते हैं और उनको चाहिए ही ऐसी चीज़ जो कि अच्छी हो, खूबसूरत हो और एक नई चीज़ हो, वो मैं बनाता हूँ और अच्छे लोगों में बेचता हूँ और बड़े खुशी खुशी वो मुझसे ख़रीदते हैं और बड़े शौक से ले जाते हैं। और आप जो ये देख रहे हैं ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि पारंपरिक तो है ही नहीं, ये सब मेरी उपलब्ध की हुई है, मेरी पैदा की हुई है, इसके ऊपर मैंने एक तरह से रिसर्च किया हूँ और एक नई चीज़ दुनिया को पेश किया हूँ। और ये हिंदुस्तान से लेके अमेरिका तक इसको रिस्पांस मिलता है, बाहर देश के भी लोग आते हैं, हम बड़ी बड़ी जगह में जाते हैं, विदेशी लोग भी बड़े खूब शौक से ख़रीदते हैं और यहाँ तक कि मेरे घर पे भी कुछ लोग आए हुए आ चुके हैं, फ्रांस से आए हुए और बड़े बड़े लोग आते हैं, कलेक्टर आ चुके हैं और जैसे जैसा उनको मालूम पड़ता है कि हाँ चीज़ ये ऐसी यहाँ पर बनती है, एक नई चीज़ नई उपलब्धि है तो बराबर मिलने के लिए आते हैं और सराहते हैं। ये जो काम चल रहा है ये है पिकॉक जरी से उतारने का। अनीस भाई भारत में एकमात्र ऐसे अनूठे कलाकार है जो जरी से एम्ब्रॉयडरी के द्वारा अलग चित्र कपड़ों पर बनाते हैं, जो सिर्फ महलों की ही नहीं कला के हर चाहने वालों के ड्राइंग रूम की शान बनते हैं। इसके अंदर में ये दो हाथ चलते हैं, दो हाथों से काम होता है, इसमें सुई होती है, ये सुई भी जो है हम अपने हाथ से बनाते हैं, अपने तरह से अपने तरीके की। ये हुक रहता है इसके अंदर में, जैसा मोची जिस तरह से चप्पल सीता है सेम वही टेक्निक है, वही तरीका है। और इसको हमने अपने हाथों से बनाया है ये सुई को, और ये नीचे हाथ में धागा रहता है, वो धागे को हम
नीचे से उठाते हैं हुक के अंदर में। और जैसा रूप देना है हम उसको वैसा रूप देते हैं, देने का प्रयत्न करते हैं। छोटे से हिंगन घाट के इस बड़े कलाकार ने कशीदाकारी की ये कला मुंबई के यासीन भाई जरीवाला से सीखी और पहले से कला में जो अनीस भाई की रुचि थी वो उन्हें यहाँ तक ले आई। अब तो औद्योगिक क्रांति का युग, दुनिया में एम्ब्रॉयडरी करने वाली मशीनें भी कुछ कम नहीं है, लेकिन अनीस भाई के हाथों में वो जादू है कि उनकी सुई की टाक पर फ्रेम में चढ़ा हुआ कोई भी कपड़ा अपने आप सजने और संवरने लगता है। इसमें कई तरह के डिज़ाइंस होते हैं और छोटे बड़े, जैसे ये छोटी लिप्स है, पत्तियाँ है, ये पिकॉक लिप्स कहते हैं इसको। तो इस तरह से कुछ लोग ये पिकॉक ले जाके अपने कपड़ों पे लगाते हैं, ब्लाउज पे लगाते हैं और साथ में पत्तियाँ ले जाते हैं। तो हर चीज़ की अलग अलग कीमत होती है। तो उस तरह से बड़े जो पिकॉक है बड़े की ज़्यादा कीमत होती है और छोटी पत्तियों की कम कीमत होती है। यानी काम के हिसाब से होता है, जिस तरह से जिसमें जितनी मेहनत होती है, जितना काम होता है, उस हिसाब से उसकी कीमत होती है। कशीदाकारी के क्षेत्र में कई पैटर्न आज दुनिया में हैं, लेकिन हिंगन घाट के अनीस भाई जरीवाला का एक अपना पैटर्न है जो उन्होंने स्वयं ही ईजाद किया है और जिसे आज पूरी दुनिया में पसंद किया जा रहा है। इसमें जो धागे यूज किए जाते हैं, ये देखिए, ये रेशम का बंडल है, 10 रुपये का बंडल आता है, मगर इसके बनने के बाद में इसका रूप देखिए कितना अलग रूप बन जाता है। तो ये कला है, ये नॉमिनल चीज़ें हैं, आम चीज़ें हैं, हर कोई वापरता है, हर कोई यूज़ करता है, मगर हमने इसको इस तरह से रूप जो बनाया है उसकी वैल्यू देखो कितनी बढ़ जाती है। तो इस तरह से जरी का इस्तेमाल होता है, बीट्स का इस्तेमाल होता है, सिक्वेंस का इस्तेमाल होता है, और भी जो हमारे दिमाग में क्या हमको करना है, पहले डिज़ाइन बनाने के बाद में हम सोचते हैं कि इसके अंदर में क्या क्या हमको यूज़ करने का है। ये नहीं कि किसी कोई थ्योरी नहीं रहती है कि यही चीज़ लगाई जाए, यही चीज़ ऐसा नहीं है कि भाई इसके अंदर में ये होगा, वो होगा, वो होगा, वो नहीं। हम अपने दिमाग से सोचते हैं कि क्या इसके अंदर में खूबसूरती आना चाहिए, बीट्स लगाना चाहिए तो खूबसूरती आएंगी, सीक्वेंस लगाना चाहिए खूबसूरती आएंगी, या रेशम का इस्तेमाल होगा तो खूबसूरती आएंगी, जरी आएंगी, ये आएंगी, वो आएंगी, और भी जो कई मटेरियल्स आते हैं, नए नए स्टोन्स, आजकल स्टोन्स वगैरह भी लग रहे हैं। तो जो भी है, हम अपने ये इसमें हमारी सोच रहती है कि हमको इसके अंदर में क्या ही इस्तेमाल करना है। और ये ऐसा भी नहीं कि हर चीज़ यहाँ मिल जाती है, नॉमिनल चीज़ें हैं, कच्चा माल है, कई भी जगह मिल जाता है, मगर उसका इस्तेमाल कैसा किया जाए ये हमको सोचना पड़ता है। वैसे तो कपड़ों पर नक्काशी करने की कला भारत में पुरातन समय से चली आ रही है, लेकिन मुगल काल में कशीदाकारी कुछ ज्यादा ही विकसित हुई, बेहद लोकप्रिय भी हुई। ये जो पिकॉक हम बनाते हैं, ये पिकॉक, ये पैच वर्क बना रहे हैं हम, और खास तौर पे हम इसका कपड़े का इस्तेमाल जो करते हैं वो कॉटन का होता है, वो बेसिक इसका कॉटन होता है। दूसरे कपड़े के ऊपर में उतना क्राउड, उतना ये नहीं आता है, लूज़ हो जाता है वो। कॉटन एक ऐसा है कपड़ा है कि वो लूज़ नहीं होता। और फिर इसके बाद में भी उसको बैक साइड से उसको कुछ केमिकल्स वगैरह लगा के उसको और स्टिक करते हैं ताकि और कई दिन तक वो टिका रह सके और उनके काम में ज़्यादा से ज़्यादा आ सके। कुछ लोग तो साड़ी ब्लाउज़ वगैरह पर लगाती है और कुछ लोग ग्रीटिंग्स बनाते हैं, जैसा मैंने अभी बताया, ग्रीटिंग्स बना के लोग क्या क्या कीमत में बेचते हैं। तो अब हमको तो उसकी उतनी तो माहिती नहीं रहती है, हम लोग कलाकार हैं,
अपने कला से जो जो चीज़ बनाते हैं फ़ायदा वो लोग उठाते हैं। ख़ास तौर पे हम ध्यान रखते हैं कि हमारे काम में कहीं कोई कमी तो नहीं रह गई, अगर कमी है तो वापस से खुल के बनाते हैं, जबकि ऐसा होता नहीं है। हम लोग ऐसे हैं, हम अपने आप को हमारे काम को खूबसूरत समझते हैं, वैसे ही हम अपने काम को भी खूबसूरत समझते हैं और अपने आप को भी उतना खूबसूरत बनाने की कोशिश करते हैं। दो हाथों की कला के नाम से उस समय पहचानी जाने वाली कशीदाकारी आज संभ्रांत परिवारों में स्टेटस सिंबल भी बन गई है। लेकिन अनिस भाई ने जब इस कला को संरक्षित और अपने आप में विकसित करने की कोशिश की तो उन्हें इतने पापड़ बेलने पड़े कि खाने के लाले पड़ गए। लेकिन उन्होंने जिद न छोड़ी और अपनी कलाकारी में लगे रहे। अपने कला प्रेम का एक वाक्य बताते हैं। हम तो कारीगर हैं, हम तो उतनी ही कीमत रखते हैं जितनी हमारी मेहनत है, मगर जो हमारे पास से ले जाने वाले हैं वो अगर उसको कुछ और चीज़ के अंदर में कुछ एक नया रूप बनाना चाहते हैं नया। अब पिछले बार ऐसा हुआ था कि मैं बम्बई में ये पिकॉक जो आप देख रहे हैं ये 100 रुपीज़ पेयर के हिसाब से मैं बेच के आया था, तो अगले वाले ने इसको ग्रीटिंग्स कार्ड बना के 35,000 में बेचा। और ये बात मुझे जब पता चली कि एबीपी माजा करके एक चैनल आता है, एबीपी माजा के अंदर में जब मैं टीवी चालू किया तो एक लेडीज़ कमेंट्री कर रही थी कि मुंबई एका पप्पू सावला यांनी आपल्या मुलीच्या लग्नासाठी लग्न पत्रिका बनवली, ते लग्न पत्रिका न्यूज़ में आई थी, ये बात न्यूज़ में मैंने रिकॉर्ड भी किया हूँ, और पप्पू सावला यांनी आपल्या मुलीच्या लग्नासाठी लग्न पत्रिका बनवली, असे 300 लग्न पत्रिका बनवली, तो एका पत्रिकाची किंमत 35,000 ठेवली गेली। और जब उसने ओपन किया टीवी कैमरा ओपन किया उसने, तो उसने मेरा ही पिकॉक मेरे सामने उसने लाया, तो मैं देख के बड़ा हैरान हो गया, अरे ये चीज़ तो मैंने 100 रुपये में बेच के आया था उसको और ये चीज़ 35,000 में बिक रही है। तो इस तरह से लोग उसका फ़ायदा उठाते हैं। हस्तकला की अब कोई ऐसी प्रदर्शनी नहीं जहां अनिस भाई ना हो। अब तो अनिस भाई को जरी वाले के नाम से ही जाना जाता है। जैसा कि सारे कलाकार अपनी कला को विकसित करने में प्रकृति से ही प्रेरणा पाते हैं, वैसे ही अनिस भाई ने भी प्रकृति से मोर चुना और ये पक्षियों का राजा अब जरी से कपड़े पर खिला तो पूरी दुनिया के कला प्रेमियों की आंख का तारा बन गया। कला एक ऐसा साधन जिसके द्वारा हम अपनी भावनाएं व्यक्त करते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि कला धन कमाने का एक जरिया भी है, कला अपना एक अर्थशास्त्र भी है, लेकिन कला हमारी कल्पनाओं के दरवाजे खोल देती है, दुनिया को देखने का एक अलग ढंग सिखाती है। अनिस भाई जरीवाला ने जब कशीदाकारी में अपने आप को ढाला तो कई पुरस्कार उनके नाम चले आए, अब वे हिंगणघाट भूषण कहलाते हैं। कई बार ऐसा हुआ कि अनिस भाई की जरी की कशीदाकारी ने काम की फिनिशिंग के बल पर नक्काशी देखने वालों में भ्रम पैदा कर दिया और लोग उसे चित्रकला ही समझ बैठे, लेकिन जब हाथ से छूकर देखा तो भ्रम दूर हो गया। अनिस भाई जरीवाला को जरी की कशीदाकारी में मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल का राज्य स्तरीय पुरस्कार भी मिला है। Thank you.
कशीदाकारी की कला महाराष्ट्र के विदर्भ अंचल के इस छोटे से गांव में अनीस भाई जरीवालों ने संजोई, जो है तो एक पारंपरिक कला, लेकिन जब अनीस भाई ने जरी में तथागत भगवान गौतम बुद्ध को बनाया तो उनके इस कढ़ाई में पोर्ट्रेट के लिए उन्हें इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में स्थान मिला। मैं युवा पीढ़ी से कहना चाहता हूँ कि जिंदगी की चाबी आपके हाथों में है। क्या करना है, मुश्किलें आती है, रुकावटें आती है, इंसान जब किसी मकसद की राह में, मकसद यानी उद्देश्य, मकसद की राह में अपने कदम उठाता है तो बड़ी बड़ी मुश्किलें और बड़ी बड़ी रुकावटें उसके आड़े आड़े आती है और उसके धैर्य को, उसके सब्र को आजमाइश में डाल देती है। यानी समझ लो कि वो उसकी परीक्षा है, भगवान उसकी परीक्षा ले रहा है। और जो इंसान अपने मकसद को आगे बढ़ाने के लिए आगे ही आगे काम करता चला जाता है और नाकामी के एहसास को महसूस तक नहीं करता, वही लोग उनके दामन से कामयाबी पैमाने वफा बांध लेती है और वही लोग सुरखुर होते हैं। सुरखुर मतलब आप तो जानते ही होंगे, जो उनको मंजिल तक उनको पहुंचाने की बात है, मंजिल उनको से दूर नहीं रहती है और अपने काम को बिल्कुल सफल बनाने में बिल्कुल सक्षम होते हैं। ये मैं आज के युवा पीढ़ी से कहना चाहता हूँ और मेरी विनती है कि मेरी बात को ध्यान से अमल करें और उसके ऊपर में काम करें। तथागत भगवान बुद्ध के इस चित्र को जरी की कढ़ाई में अनीस भाई ने बनाया तो देश दुनिया के कलाकार इस चित्र की जीवंतता देखकर अचरज में पड़ गए कि कढ़ाई में भी ऐसा काम हो सकता है। वास्तव में ये अनीस भाई की दृढ़ कला साधना का परिणाम है। आज अनीस भाई स्वयं तो ये काम करते ही हैं, इस पीढ़ी के कला प्रेमी जो कशीदाकारी में रुचि रखते हैं वे भी अनीस भाई के इस स्कूल में आते हैं और अनीस भाई उन्हें खुशी खुशी ये काम सिखाते हैं। मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ है, मैं 2 साल से ये काम कर रहा हूँ। मुझे खुद इंटरेस्ट था ये काम में, इसलिए मैंने ये काम पसंद किया और बहुत खुशी होती मुझे ये काम करने में, क्योंकि मेरा खुद का पसंद किया काम है ये। और मैं भविष्य में आने वाले समय में मैं हनी भाई को सपोर्ट करना चाहूँगा इस काम में। मैं खुद ही चाहता हूँ कि ये काम बढ़े और ये बढ़ती पे काम ही आला, तो मुझे खुशी होती है ये काम देख कर और कर कि ये काम एक बहुत अच्छा काम है। जरी के एक अलग अलग पार्ट होते हैं, लेकिन ये जो जरी है ये अलग होता है काम, ये अलग ही काम है। जिस जो काम ये चचा अनीस भाई जो गुरु है मेरे, जिन्होंने ये काम बहुत ही अच्छे तरीके से हमें सिखाया, उनकी सिखाने का तरीका जो है बहुत प्यारा है, जिससे मुझे इंटरेस्ट भी आया काम करने में और मैं भविष्य में ये काम करना आगे भी चाहूँगा।
मेरा नाम है प्रांजलि अभय टोटलवार। मेरी पढ़ाई है बीकॉम कंप्लीट है, एमकॉम फर्स्ट ईयर अभी चालू है। मुझे 2-3 साल से इच्छा थी कि चलो भाई कुछ अपन अच्छा सीखेंगे लाइफ में, अपने सामने जो काम आएगा उससे। इसके वजह से मुझे ये काम में थोड़ा इंटरेस्ट भी था। पढ़ाई तो चलती है पर थोड़ा इंटरेस्ट भी ज़रूरी है। आपको जो आपकी जो फील्ड है वो सबसे अलग थी, इसी वजह से मैंने ये सीखना सीखने की इच्छा की थी। अभी मैं तीन महीने से सीखने आ रही हूँ। अब तो कशीदाकारी अनिस भाई की पारिवारिक कला बन गई है और पूरा परिवार इस कला में समर्पित हो गया है। अब तो कशीदाकारी का अर्थतंत्र अनिस भाई के परिवार ने भी सीख लिया और जरी की ज्वेलरी ये नया कॉन्सेप्ट अनिस भाई जरीवाले के बेटे बाजार में ले आए। ये जो आप पीस देख रहे हैं ये पूरा एम्ब्रॉयडरी का बनाया हुआ है और पहनने का पूरा लाइट वेट है और ये एकदम न्यू कॉन्सेप्ट है। ये हमारा फर्स्ट टाइप डेवलप किया हुआ आर्ट है। ये एम्ब्रॉयडरी पैचेस से बनाए हुए नेकलेस, इसके इंडिया में तो बहुत अच्छी वैल्यू है, इंटरनेशनल मार्केट में भी इसका बहुत अच्छा रिजल्ट और रिस्पांस मिल रहा है। इसमें बहुत सी वैरायटी है, अलग अलग कलर्स है, सो मेनी डिज़ाइंस है। उसी के कुछ लाइट वेट ईयरिंग्स हैं जो हल्के हैं और पहनने में बहुत ही आसानी से यूज़ होते हैं। कलर फास्ट होता है इसका और ईजीली कस्टमर्स को पसंद भी आ रहे हैं। ये भी जो आप देख रहे हैं पूरा एम्ब्रॉयडरी का नेकलेस बनाया हुआ है, ये मेरे भाई का आर्ट है, वो सैयद अदनान सैयद अनीस। ये उसका कॉन्सेप्ट है, उसने एम्ब्रॉयडरी से कुछ पैचेस से कुछ ज्वेलरी डेवलप की है, जो नेकलेसेस है, ईयरिंग्स है, और इसका भी काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। उसने काफ़ी अच्छे अच्छे डिज़ाइंस बनाई है जो उसके द्वारा बनाई हुई चीज़ों को कस्टमर्स से काफ़ी अच्छा पसंद किया जा रहा है। बेहद सरल स्वभाव वाले अनिस भाई जरी वाले कशीदाकारी को एक समर्पित जीवन।